मैं आप और डीसी माननीय डीसी सर ने जो बताया कि इस जो हमें डीसी महोदय एडीसी महोदय डीपीओ उतनी ही मेहनत करनी है जितनी अब तक की है, इसमें आगे भी आपके लिए अवार्ड के लिए, हम सब के लिए अवार्ड के लिए आगे भी तरीके से दोबारा एक बात और जो बहुत अच्छा, हम भी इसमें नमस्ते करते थे, फिर सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया कि भाई शिक्षित लोग भी आए, तो आज मैंने देखा कि बहुत कई बार कि आपको दो दो बार आना पड़े करनाल सचिवालय में, आपको बाकी तो बड़े बुजुर्ग हैं आप मेरे भाई बहनों, आपने ये आगे लीड लेके रखनी है, केवल अपने पिताजी और अकेले छोड़ देना, अगर आपको सरपंच बनाया है तो और अपने ही कार्यकाल में अगला अवार्ड ओडीएफ प्लस का लेने आना है। इसके साथ ही मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय हिंद जय भारत। बहुत ही चंद शब्दों में संबोधन किया, अब इसके बाद मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। पंचायत समिति के चेयरमैन उपम सिंह राणा जी, जिला परिषद मैडम, आप सबकी तालियां। आज जो करनाल ज़िले में है स्वच्छ ग्राम पुरस्कार के तहत जो है हमारे माननीय सरपंचों को, पंचायत समिति चेयरमैन को, जिला परिषद को जो है आज सम्मानित किया गया है। 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख की इनाम राशि दी गई है। सभी सरपंचों ने बहुत मेहनत करके खुले में शौच मुक्त हमारे ग्रामीण इलाके को बनाया, उसको आज ये पुरस्कृत किया गया है। सभी सरपंचों ने बहुत उत्साह दिखा और आगे आगे ओडीएफ प्लस के प्रति भी अब ये शहर और ये जिला अग्रसर रहेगा। आगे के लिए जो है अभियान ये किया है कि हम सरपंचों के साथ जुड़ के जिला प्रशासन अब इसे ओडीएफ प्लस करेगा, जिसमें कि सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन इत्यादि सभी इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए और स्वच्छता के प्रति आगे बढ़ेंगे, और साथ में जो खुले में शौच मुक्त का अचीव किया गया है इसे निरंतर जारी रखा जाएगा जी। इसमें कई सरपंच जो हैं आए थे, साथ में 3 पंचायत समिति के भी आए थे और जिला परिषद, सभी यहाँ पर सम्मानित किया गया। आज पूरा करनाल स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त पूर्ण रूप से हो चुका है। इसमें अभी कोई भी गांव ऐसा बाकी नहीं रहा कि जो खुले में शौच मुक्त नहीं है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे हलके के विधायकों का और हमारे सरकारी प्रशासन का, गांव पंचायतों का बहुत सहयोग रहा, जिससे आज करनाल जिला पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त है।